शिक्षा एक ऐसा धन है जिसके पास जितनी है उतनी ही कम है, और उसे जितना बांटा जाए वह बांटने से उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही एक काम जो हमारे कृपाल सिंह पसरीचा जी हैं वह कर रहे हैं। वह यहाँ पर सोलन में आए और इस समय हजारों विद्यार्थियों को एक शिक्षा जो है वह बांट रहे हैं, यानी शिक्षा के स्तर जो है उसके लिए वह बखूबी बहुत से कार्य कर रहे हैं। आज हम मिलते हैं कृपाल सिंह पसरीचा जी से। पसरीचा जी, आपका थड़ाई में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहले आपका क्या पेशा था और आप इस पेशे में किस तरह से आए। वैसे तो जो शिक्षा का स्तर होता है उसे पेशा नहीं कहा जाता, लेकिन आप जो इसमें आए हैं आप किस तरह से आए। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से ही एक टेक्निकल लाइन में था। हमारा वहाँ मैं मंडी का रहने वाला हूँ और मंडी से ही अपना सारा कार्यकाल वहीं से मैंने शुरू किया था। तो शुरू में हमारा जो पैतृक काम था वो हमारा ट्रांसपोर्टर्स का था और साथ में हमारा एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे हम। तो हमने उस वक्त ये जब मैं इस लाइन में आया तो मैंने सुनने में आया कि यहाँ पर हमारे हिमाचल में इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल नहीं थे। एक ही कॉलेज होता था सिर्फ कालम में, वो भी कुछ समय पहले शुरू हुआ था, तो और कोई नहीं थे। तो बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दूर साउथ वगैरह जाना पड़ता था, जहाँ से बच्चों को माँ बाप भेजते तो थे परंतु उनके बारे में बहुत चिंतित रहते थे कि उनकी शिक्षा का सुधार कैसे होगा। तो इस बात के मद्देनज़र रखते हुए मेरे मन में ध्यान आया, मेरे रिलेटिव थे जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने गाइड किया भी हम इस लाइन को अपना सकते हैं और शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं। तो उस उनकी गाइडेंस से हमने इस विचार को लिया कि हम यहाँ हिमाचल में, क्योंकि मैं हिमाचल का ही रहने वाला और हिमाचल में ही शिक्षा का विस्तार करना चाहता था, तो मैंने ये प्लान किया कि इंजीनियरिंग लाइन की तरफ जाया जाए ताकि हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे स्तर की इंजीनियरिंग करके अपने हिमाचल की और हिंदुस्तान की सेवा कर सकें। पसरीचा जी, आपने जो ये कॉलेज है ये 2003 में शुरू किया था जी, और आज एक इतना लंबा समय जो है आपका हो गया है, आप शुरुआती दौर और जो आज का दौर है शिक्षा का आप किस तरह से देखते हैं। शुरुआत में हमारे जब हमने कॉलेज शुरू किया था तो उस वक्त इंजीनियरिंग की बहुत वैल्यू थी। आज के समय में कुछ बच्चों के विचार अलग अलग हो गए हैं और इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा रुझान कम हुआ है, परंतु फिर भी हिमाचल में, सारे हिमाचल में हमारे पास सभी कॉलेजों के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा सीटें अभी भी हमारे पास हैं। परंतु ये जो रुझान है क्षणिक है, धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा, परंतु हम इस काम में लगे हुए हैं ताकि, और अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है ताकि हम चाहे हमारे पास बच्चे कम भी हो परंतु हम अपनी क्वालिटी को कम नहीं करते, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो अच्छी कंपनियों में जाए, अच्छी जॉब मिले, अच्छा कार्य करें, अच्छे अपने माँ बाप का सहारा बने। जैसे कि आपने बोला कि आप चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन रहे जी, लेकिन हिमाचल में इस समय जो है काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ खुल गई है और कहीं ना कहीं कई बार जो हिमाचल है एक बदनाम भी हो रहा है कि यहाँ से डिग्रियाँ बेचने तक के आरोप लगते हैं जी। तो इससे आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि हिमाचल का जो एजुकेशन है पहले एक बहुत बड़ा नाम होता था निजी विश्वविद्यालय वगैरह के आने से, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी इसकी साख पर बट्टा लगा है। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि हमारे जो कॉलेजेस हैं ये हमारे हिमाचल यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनके ही हिसाब से हमारे कोर्स रखे जाते हैं, उन्हीं के आदेश अनुसार ही हर कार्य किया जाता है। परंतु जो हमारे यहाँ इतनी यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं जिनके ऊपर लगाम बहुत कम है, वो अपनी मर्जी से कोर्सेज शुरू करते हैं, अपनी मर्जी से रूल्स बनाते हैं, उनके ऊपर चेक कितना नहीं है, तो हमारे यहाँ तो प्रेजेंस भी अगर कम होती है तो बच्चा एग्जाम में बैठ नहीं सकता। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में थोड़ी सी इस बात की थोड़ी उनको छूट मिल जाती है और बच्चे आवारा घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से ये आज हमारा सोलन भी कुछ वजह से बदनाम हुआ है। तो मैं तो चाहता हूँ भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके ऊपर भी ऐसी लगाम लगाई जाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जैसा कि आज के समय में देखने में आया भी है कि आप भी कह रहे हैं कि जो छात्र हैं वह कहीं आवारा घूमते हैं, और इस समय सोलन जो एक ऐसी जगह है वो नशे के रूप में भी काफ़ी विकसित हो रही है, और काफ़ी मामले जो देखने में आए हैं उसमें
जो है यंग स्टूडेंट्स हैं वही इसमें उनकी सक्रियता काफी पाई गई है जी, जी। तो आपने ऐसा क्या कंट्रोल आपने अपने विद्यार्थियों के ऊपर रखा है कि वह नशे से दूर रहे, किस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, या उनका ध्यान है किस तरह से इन कामों से दूर रहने के लिए लगाते हैं? हमारा इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है, क्योंकि एक हमारे ऐसे इस कॉलेज में हमने ऐसी कमेटियां बना रखी हैं जो हर स्टूडेंट के ऊपर नजर रखती हैं, उनके हॉस्टल के कमरों को अकस्मात चेक किया जाता है और उनकी प्रेजेंस की ओर ध्यान दिया जाता है। कभी भी बच्चा अगर थोड़े दिन के लिए भी अगर कहीं एब्सेंट पाया जाता है तो उसके घर वालों को सूचित किया जाता है, अगर बच्चा फिर भी नहीं आता और आता भी है तो उनके घर वालों को बुलाया जाता है, उनसे एफिडेविट लिया जाता है और उनकी जिम्मेवारी फिक्स करी जाती है ताकि ये बच्चा आगे से बाहर ना जाए, कहीं ना रहे। अगर हमारे पास है तो हम उसकी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। जैसा कि आप है, आप तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स हैं वह कर रहे हैं विद्यार्थियों को सुधारने के लिए जो आप अपने लेवल में कर सकते हैं। जो सरकार है इस समय, आपको क्या लगता है कि किस तरह की जो कमियां हैं वह सरकार की तरफ से है और आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकारों से? हम सरकार से तो यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे किसी भी कॉलेज के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं उनकी तरफ ध्यान दे। जैसे हमारे यहाँ थोड़ी सड़क की कमी है और कई चीज़ों की कमियां रहती हैं, होते हुए भी हमने इसको आज तक चला रखा है, परंतु फिर भी सरकार से यही गुजारिश रहती है कि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मदद सरकारों की तरफ से होता है उनमें देरी ना करें, ताकि हमारे जो भी कार्य और जो कोर्सेज हम शुरू करते हैं उनको समय से चला सकें और समय से बच्चों का भविष्य की तरफ ध्यान दें। आने वाले समय में जो ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है वह नई क्या शुरुआत करने जा रहा है? क्योंकि अभी हम एजुकेशन लाइन में ही जुड़े हुए हैं तो इसी की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, तो हमारा इस साल हमने होटल मैनेजमेंट को शुरू किया है, उसके कोर्सेज शुरू किए हैं और आने वाले समय में अगले साल से हम लॉ कॉलेज शुरू कर रहे हैं और डी फार्मेसी का कॉलेज भी शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे और भी दो तीन ऐसे कोर्सेज हैं जो कि अभी उसके ऊपर हमारा यूनिवर्सिटी से मीटिंग चल रही है, जो नए कोर्सेज अभी तक यहाँ हिमाचल में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हम उनकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छी सी जॉब मिले, अच्छा काम मिले और उनके परिवार को फाइनेंशियली हेल्प। धन्यवाद पसरीचा जी। पसरीचा जी जो है शिक्षा के स्तर में बहुत कार्य, सराहनीय कार्य जो है कर रहे हैं, देखने में भी आया है जितना कि थर्ड आई की टीम ने भी यहाँ की विजिट करी और जो भी लोग थे या जितने भी छात्र थे या इनका स्टाफ था, एक उनमें आपस में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन था और छात्रों के ऊपर भी बड़ी बारीकी से जो है इनका पूरा मैनेजमेंट पैनी नज़र रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का एक अच्छा भविष्य चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने बच्चों को बेझिझक भेज सकते हैं और ये वादा हम तो कर ही रहे हैं और यही हमें विश्वास जो है कृपाल सिंह पसरीचा जी भी दिला रहे हैं। बिल्कुल पसरीचा जी, थर्ड आई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।